The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high quality educational resources for free. थर्मोडायनामिक्स में अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था थर्मोडायनामिक्स ऑफ क्लोज सिस्टम के अंदर, और कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने सबसे पहले की, चाहे वो आपका थर्मोडायनामिक कोफिशियंट हो, स्टेट फंक्शन निकालना हो, पाथ फंक्शन निकालना हो, वर्क डन आप लोग कैसे निकालते हो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ मॉडल्स पढ़े, चाहे वो आपका जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट हो, कार्नोट साइकिल हो, हीट पंप हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो। मॉडल्स को पढ़ने के बाद हम लोगों ने फोकस किया डेल्टा एस की वैल्यू को निकालने के अंदर, डेल्टा जी की वैल्यू को निकालने के अंदर और डेल्टा एच की वैल्यू निकालने के अंदर। उसके बाद कुछ फेमस इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई, चाहे वो आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन हो, क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हो या फिर किरचॉफ्स इक्वेशन हो। थर्मोडायनामिक्स ऑफ क्लोज सिस्टम के बाद आप लोगों ने पढ़ी थर्मोडायनामिक्स ऑफ ओपन सिस्टम, जिसके अंदर आप लोगों ने केमिकल पोटेंशियल के ऊपर फोकस किया, फुगेसिटी के ऊपर फोकस किया और गिब्स ड्यूहम इक्वेशन के ऊपर फोकस किया। अब कुछ पार्ट्स आपके बच गए हैं थर्मोडायनामिक्स के, जिसको मैं कवर कराऊंगा आपको इस लेक्चर के अंदर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर बोम कैलोरीमेट्री क्या होती है या फिर एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is a lecture number 34 of thermodynamics. अभी तक 33 lectures already upload कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने previous lectures नहीं देखे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको thermodynamics की अलग से playlist देखने को मिलेगी, तो lecture number 1 से start कर दो। sequence में अगर देखोगे तो आपको पूरी thermo काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। मैंने बिल्कुल basic से आपको थर्मो पढ़ाई हुई है। थर्मो आपको कंप्लीट हो चुकी है, ओपन सिस्टम के लिए भी थर्मो कंप्लीट हो चुकी है, क्लोज सिस्टम के लिए भी, और इन दोनों पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देख लो, और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं तो आप लोग प्लीज़ थर्मोडायनामिक्स को वीकली रिवाइज करते रहो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक से, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इस टॉपिक की। अभी मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर सीरीज थर्मोडायनामिक्स की, तो वहाँ पर मैं आपको कराऊंगा ईयर वाइज क्वेश्चन, जैसे कि 2011 में कितने क्वेश्चन आए, 2012 में कितने क्वेश्चन आए। तो जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखोगे कि हर साल कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स से, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे आप लोग प्लीज़ रिवाइज करते रहो, ताकि एग्जाम सेंटर के अंदर आपको फॉर्मुलेज भी याद रहें और आपको ये भी याद रहे कैसे आपको उन फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अगर आप लोग वो भूल जाओगे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो भूल जाओगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। और आप लोगों को टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब आपके क्वालिफिकेशन होने के, आपको क्वालिफाई करने के जो चांसेज हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ लिया है प्लीज़ रिवाइज करो, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर नंबर 1 से फॉलो करना, आपको सब कुछ काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर बोम्ब कैलोरीमीट्री क्या होती है, राइट। तो थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयरली आपके आए हुए हैं CSIR नेट के अंदर। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद काफ़ी नई नई टेक्निक्स आ गई है जिसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, इसका मतलब कि आने वाले साल के अंदर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और हो सकता है कि जिस साल आप पेपर देने जाओ उस साल बोम्ब कैलोरीमीट्री का क्वेश्चन आ जाए। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आज ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपने एक बार समझ लिया इसे तो आप लोग आराम से कभी भी इसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर बोम्ब कैलोरीमीट्री वर्ड से आप लोग क्या क्या समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपको 3 वर्ड देखने को मिलेंगे, पहला क्या बोम्ब, यहाँ पर बस क्या है कैलोरी है, यहाँ पर बस क्या है मीट्री है। कैलोरी से तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर बस क्या है यूनिट है किसकी, एनर्जी की, या फिर मैं बोल सकता हूँ यूनिट किसकी है, हीट की, आपके पास क्या है ये यूनिट है। उसके बाद मीट्री मतलब आपके पास क्या होता है मेजरमेंट होता है। तो वर्ड से आप लोग ये तो समझ हुए हो कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करनी पड़ेगी किसकी, हीट की। अब ये हीट कहाँ से आई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोम्ब कैलोरीमीट्री के अंदर आप लोग हीट मेजर करते हो, और हीट कहाँ से आती है, कंबशन रिएक्शन से आती है। यानी कि बोम्ब कैलोरीमीट्री के अंदर आप लोग कंबशन रिएक्शन के दौरान जितनी भी हीट रिलीज हो रही है उसको मेजर करते हो। अगर आपकी रिएक्शन कंबशन रिएक्शन तो ऑफकोर्स हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अब वो कितने अमाउंट आपके पास हीट रिलीज हुई है
उसको मेजर करने का तरीका क्या है आपके पास, बॉम्ब कैलोरीमीटरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि आखिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है, उसके बाद आपको बोलूंगा कि आखिर बॉम्ब आप लोग यहाँ पर किसको बोलते हो। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आपके पास क्या होगी, एक इंसुलेटेड वेसल होगी। इसका मतलब ये जो वेसल है ये कैसी है, इंसुलेटेड है, ना तो कोई हीट इस वेसल के अंदर आ सकती है ना ही कोई हीट यहाँ से बाहर जाएगी। इसका मतलब ये पूरी क्या है, बिल्कुल 100% इंसुलेटेड आपने की हुई है। अब इस वेसल के आपके पास क्या होता है, पानी भरा होता है जिसका अमाउंट आपको पता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पानी भरा हुआ अंदर उसका अमाउंट आपको गिवन होगा या फिर आपको पता होगा कितना पानी आपने यहाँ पर भरा है। इस पानी के अंदर हम लोग क्या डिप करते हैं, स्टील के कंटेनर को डिप करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, कोई कंटेनर लिया इस शेप का और इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, इस पानी के अंदर डिप कर दिया। उसके बाद इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं जो कैसा होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा। ऑफकोर्स अगर आप लोग कंबस्टन रिएक्शन को पढ़ रहे हो तो जो आप सब्सटेंस ले रहे हो उसका कंबस्टन होना भी चाहिए, राइट। तो आपने यहां पर क्या ले लिया, कंबस्टिबल सब्सटेंस ले लिया। अब कंबस्टन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए, जो कहां से मिलेगी आपको यहां पर, इसमें आपने क्या डाल दिया, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेटर डाल दिया। अब ये इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से कंबस्टिबल आपके पास सब्सटेंस होगा, इसके अंदर क्या होगी, कंबस्टन रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी। और जैसे ही कंबस्टन रिएक्शन शुरू होगी यहां से जो हीट है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। अब जब भी यहां से हीट बाहर निकलेगी तो उससे क्या हो सकता है, या तो आपका जो कंटेनर है स्टील का ही क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, या फिर जो आपके पास यहाँ पर बाहर जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। अब यहाँ से हीट तो बाहर जा नहीं सकती, ना ही हीट यहाँ से अंदर आ सकती है। तो ऑफकोर्स जितनी भी हीट निकलेगी उससे आपका जो कंटेनर है वो गर्म होगा और जो आपका पानी है वो गर्म होगा। जब सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया था उस टाइम पर सब्सटेंस लिया था वो कौन सा लिया था, मैग्नीशियम लिया था, और यहाँ पर जो कंटेनर है किसका लिया था आपने, यहाँ पर स्टील का लिया था, और उस स्टील के कंटेनर को आपने यहाँ पर क्या बोला गया था, बॉम्ब बोल दिया गया था। जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था बॉम्ब कैलोरीमीटरी का, उसके अंदर मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया गया था, यानी कि मैग्नीशियम में कंबशन को स्टडी किया गया था, और जो कंटेनर था वो कंटेनर कैसा था आपके पास, स्टील का कंटेनर था, उसको क्या बोल दिया गया, बॉम्ब बोल दिया गया। उसके बाद आपको ये पता है कि कंजर्वेशन ऑफ हीट से हीट गिवन बाय द रिएक्शन इज इक्वल टू हीट टेकन बाय द बॉम्ब प्लस हीट टेकन बाय द वॉटर। जितनी भी हीट निकलेगी उस रिएक्शन से उससे आपका कंटेनर गर्म हो सकता है या फिर आपका पानी गर्म हो सकता है, या फिर बोल सकते हो कि कंटेनर का टेंपरेचर रेज होगा और आपके पानी का टेंपरेचर क्या होगा, रेज होगा, हीट ज्यादा बाहर तो निकलेगी नहीं। तो जितनी भी हीट निकलेगी रिएक्शन से वो कहां जाएगी, बॉम्ब के भी जा सकती है यानी कि कंटेनर के भी जा सकती है, या फिर आपके पास पानी के अंदर जा सकती है। जो आपके पास एक्सपेरिमेंट होता है बॉम्ब कैलोरीमीटरी का, इसके अंदर जो आपका वॉल्यूम है वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। अब अगर आप वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपको कोई पानी गिवन है, उसका आपको इनिशियल टेम्परेचर पता है, उसका आपको फाइनल टेम्परेचर पता है, तो उसने कितनी हीट ली या फिर कितनी हीट दी, उसका फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। ये मैं बात कर रहा हूँ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो थर्मोडायनामिक्स ऑफ क्लोज सिस्टम के लिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो मैंने अमाउंट लिया है पानी का, वो मैंने ग्राम में लिया है, मास में जो मैंने ग्राम में लिया है, तो मैं क्या बोल दूँ फॉर्मूले के अंदर, एम सी वी डी टी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा कि कितना हीट जो है पानी ली, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एम सी वी डी टी। उसके बाद कंटेनर ने कितनी हीट ली तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, सी वी इंटू में डी टी। यहाँ पर आप लोग मास ऑफ कंटेनर नहीं लोगे, क्योंकि जो भी आपको स्पेसिफिक हीट गिवन होगी कंटेनर की वो आपको किसमें गिवन होगी, जूल पर केल्विन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगी। अगर आप लोग वॉटर के अंदर निकाल रहे हो हीट को, तो आपको क्या गिवन होता है कि आपके पास पानी कितना है, 10 ग्राम के पास पानी होता है। उसके बाद आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर गिवन होती है जूल पर केल्विन पर ग्राम के अंदर। वॉटर कितने होते हैं पास, 4.184 जूल पर केल्विन इंटू में ग्राम। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डी टी, यानी कि आपके पास क्या है, टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल। इस यूनिट कितनी निकल आएगी पास, आगे निकल कर कितनी आएगी, केल्विन के अंदर निकल कर आएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, केल्विन है, तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आंसर कितने निकल कर आएगा आपके पास, जूल के अंदर निकल कर आ जाएगा। अब क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जूल पर केल्विन पर ग्राम के अंदर आपको गिवन होती है, इसीलिए आप लोग क्या लगाते हो यहाँ पर साइड में, मास ऑफ वाटर लगाते हो। लेकिन जब भी आपके पास कोई कंटेनर होगा उसका आपके पास कैसे गिवन होगी, स्पेसिफिक हीट जूल पर केल्विन के अंदर गिवन होगी। अगर जूल पर केल्विन के अंदर गिवन है तो यहाँ पर आपको कंटेनर का मास लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस केल्विन से जो आपकी डीटी है, इसमें आपके पास क्या होगी, केल्विन होगी, तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, किसमें आपका आ जाएगा, जूल के अंदर निकल कर आ जाएगा।
अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर जाकर आप लोग इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप लोग नोट्स डाउनलोड करोगे, वहाँ पर आपको थोड़ी सी करेक्शन कर लेना कि इस बॉम्ब की जगह पर क्या करना है, यहाँ पर वोटर को लिखना है, और यहाँ पर वोटर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या करना है आपको बॉम्ब को लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सी ऑफ बॉम्ब डी टी, मैंने किसी कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, बॉम्ब के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी करेक्शन है, इसको आप लोग करेक्शन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर जाकर आप इस करेक्शन को कर लोगे। अब क्योंकि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जो आपके पास वॉल्यूम है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो हीट गिवन बाय द एक्शन को लिख सकते हो क्यू इंटू में, यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, एक सब्सिट्यूट लगा रहा हूँ वी, ताकि आपको पता चल जाए कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो स्पेसिफिक कौन सी लूंगा मैं, यहाँ पर आप लूंगा सी वी ऑफ वाटर, मैं क्या लूंगा सी वी ऑफ वाटर लूंगा। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप लोग समझ चुके हो, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर थ्योरी क्या है इसकी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर बॉम्ब ग्रेविमीटर के अंदर हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। उसके बाद एक फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और उस फॉर्मूले के ऊपर से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो फॉर्मूले को याद कर लेना, क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद आप लोग जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक का, आप लोग उसे आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट टू मेजर हीट इवॉल्व कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ कंबसन रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन यानी क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है। यह आपका क्या है, यह आपका टारगेट है, आपको किसी भी रिएक्शन के लिए क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, किसी भी कंबसन रिएक्शन के लिए। जो पहला एक्सपेरिमेंट था किसके लिए हुआ था, मैग्नीशियम के लिए हुआ था, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनाता है पास MgO बनाता है, यानी कि उसने क्या निकाला था इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच एच को उसने क्या किया था, डिटरमाइन किया था। कैसे करेंगे उसके लिए आपके पास क्या निकल जाएगा, अभी अभी एक फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे सेटअप कैसा है, नोन अमाउंट ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल इज टेकन इन ए स्टील कंटेनर नोन एज बॉम्ब एंड प्लेस्ड इन नोन अमाउंट ऑफ वाटर कैप्ड इन वेसल विद इंसुलेटेड जैकेट, ये चीज मैं आपको समझा चुका। उसके बाद बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क मटेरियल इज बर्नड आउट, हीट इजेक्टेड बाय द कंबस्टन रिएक्शन जनरली रेज द टेंपरेचर फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू एंड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ हीट लॉ, आपको पता है कि हीट गिवन बाय द रिएक्शन इज equivalent to heat taken by the water plus heat taken by the bomb. उसके बाद heat taken by the water क्या हो जाएगा मेरे पास, MCWDT, यहाँ पर CW क्या है, specific heat of water, M क्या है, mass of water, DT क्या है, initial temperature of water minus final temperature of water, इसको उल्टा कर लो, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। आपके पास यहाँ पर क्या है, हीट टेकन बाय द बॉम्ब क्या होगा आपके पास, सी बी इंटू में डी टी, सी बी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर या फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉम्ब, जो कि आपको गिवन होगी जूल पर केल्विन के अंदर। तो आपको यहाँ पर मास ऑफ कंटेनर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्यू वी इज इक्वलेंट टू क्या लिखूंगा, क्यू वी इज इक्वलेंट टू एम डब्ल्यू यानी कि मास ऑफ वाटर इंटू में सी डब्ल्यू, या मैं कह सकता हूँ सी वी ऑफ वाटर प्लस सी बी इंटू में डी टी, ये क्या होगा आपके पास, सी वी ऑफ बॉम्ब होगा। तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, और इस फॉर्मूले के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एच को भी निकाल सकते हैं, डेल्टा यू को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं उसकी बात हम लोग थोड़ी देर के अंदर करेंगे इस लेक्चर के अंदर, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ है, वो ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ध्यान से देखोगे, तो आपको यहाँ पर सब्सटेंस को कंटेनर के अंदर रखना पड़ता है। जब भी आप लोग लैब के अंदर सब्सटेंस को कंटेनर के अंदर रखोगे, तो आप उस सब्सटेंस को मेजर करोगे, और लैब के अंदर मेजर कैसे करते हैं हम लोग, ग्राम के अंदर करते हैं, कि 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 15 ग्राम है। तो मान लीजिए कि आप लोग मैग्नीशियम का ही क्या कर रहे हो, कंबशन कर रहे हो, आपके पास क्या होगा, मैग्नीशियम का रिबन होगा। अब उसका वेट कितना होगा, मान लीजिए आपने क्या लिया है, 5 ग्राम मैग्नीशियम का रिबन लिया है। अगर आप लोग 5 ग्राम मैग्नीशियम लेकर यहां पर इस हीट इवॉल्व को निकालोगे, तो वो किससे कॉरेस्पॉन्डिंग निकलेगी, 5 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग ही निकलेगी। सब्सटेंस का जितना अमाउंट लोगे, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या निकलने वाली है, हीट निकलने वाली है। लेकिन जब भी आप लोग केमिकल रिएक्शन को लिखते हो, तो कैसे लिखते हो, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा एच क्या है, तो उसका सीधा मतलब ये कि जो डेल्टा एच है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये 1 मोल ऑफ Mg के कॉरेस्पॉन्डिंग है। लेकिन जो आपने अभी भी निकाला है, वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला है, 5 ग्राम Mg के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला हुआ है। यानी आपको यहाँ पर ग्राम से पर मोल के भी चेंज करना है। कैसे करते हो उसको समझने के लिए, मान लीजिए आप एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम का है, तो आपको पता है कि मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, 24 ग्राम पर मोल आपके पास क्या है, मोलर मास है मैग्नीशियम का। लेकिन आप लोगों ने क्या लिया है, सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम लिया है, तो 5 ग्राम में कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने हीट निकली है, उसको आपने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। मान लीजिए 5 ग्राम में कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी हीट है, उसको कैलकुलेट कर लिया, क्या निकल गया आपके पास, वो क्यूवी अमाउंट आपके पास निकल कर आ गया। उसके बाद आपको पता है कि 1 मोल का कितना मास होगा, 24 ग्राम होगा, तो क्या लिखोगे आप लोग, 24 के लिए कितने निकले आपके पास, क्यूवी डिवाइडेड बाय 5 ग्राम इंटू में
24 ग्राम। तो 20 तो बेसिकली आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्यूवी को डिवाइड किया है जितना अमाउंट आप लोगों ने लिया है इनटू में मोलर मास से, राइट। तो ये तो आप लोगों ने किया है। तो आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो आपकी हीट निकली है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यूवी अपॉन में एम इनटू में मोलर मास। जो भी सब्सटेंस आप लोगे उसका मोलर मास आपको यहाँ पर लेना बनेगा। ये फॉर्मूला कैसे बना है ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो आपने सब्सटेंस लिया है वो आपने ग्राम में लिया है, तो आपको उसको पर मोल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आप क्या करते हो, मोलिकुलर वेट से उसको डिवाइड करते हो। तो वो सब चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर की हुई है। आप लोगों ने मास को क्या किया है, मोलिकुलर वेट से डिवाइड किया है, ये क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर इस तरीके बन जाएगा, क्यूवी अपॉन में स्मॉल एम इनटू में कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, कैपिटल एम आपके पास क्या है, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला यहां पर और देख लेते हैं, क्योंकि आपका टारगेट है कि आप लोग क्या निकाल लो, डेल्टा एच निकाल लो उस केमिकल रिएक्शन के लिए। कैसे निकालोगे, अभी आपने क्या निकाला है, कितनी हीट रिलीज हुई है उस कंबशन रिएक्शन के लिए। तो अगर आपके यहां पर कंबशन रिएक्शन हो रही है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो वर्क डन तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो आप लोग बोल सकते हो क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप लोग एक नेगेटिव साइन अलग से लगाओगे, क्योंकि जो आपकी हीट है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो आपका डेल्टा यू आप लोग कैसे निकाल सकते हो, जो भी आपकी हीट निकली है, जो भी आपका क्यूवी निकला, उसका क्या लगा दो आप लोग, नेगेटिव साइन लगा दो। तो वहां से क्या निकालोगे आप लोग, डेल्टा यू निकाल लोगे। तो अगर आपका डेल्टा यू निकल गया, तो उस डेल्टा यू की वैल्यू आप लोग क्या करो, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो जो आप लोग पढ़ चुके हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। वहां से अभी क्या निकल जाएगी, डेल्टा एच भी निकल जाएगी, जो कि आपका क्या था, टारगेट था। तो इस तरीके से आपको अपने डेल्टा एच तक पहुंचना है किसी भी रिएक्शन के लिए। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, क्वेश्चन आपके पास सीएसआईआर नेट का है। क्वेश्चन क्या है, 0.138 ग्राम ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर दैट हैज हीट कैपेसिटी ऑफ 1.77 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर कंटेन्स 300 ml ऑफ वाटर एंड इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 1.13 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू पूछा हुआ है, एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी कि डेल्टा एच भी पूछा हुआ है। मोलर मास गिवन है, और डेंसिटी ऑफ वाटर आप कह सकते हो 1.0 ग्राम पर ml ले सकते हो। अगर गिवन नहीं है तो ले सकते हो, क्योंकि उसकी होती भी वही है, राइट। अगर गिवन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, तभी आप लोग यहां पर वॉल्यूम को जो है वो ग्राम के अंदर चेंज कर पाओगे। तो आपको डेंसिटी वाटर की तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए, क्लास 10 से आप लोग पढ़ते हो कि डेंसिटी वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। तो इस क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे, फॉर्मूला वही है, हीट रिलीज्ड बाय द रिएक्शन इज इक्वल टू हीट टेकन बाय द वाटर प्लस हीट टेकन बाय द बॉम्ब। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, QV इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू में dT प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉम्ब इंटू में dT। तो फाइनल टेम्परेचर बॉम्ब का और आपका जो वाटर है क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला, तो उसको कह सकते हो आप लोग, लिख सकते हो QV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर इंटू में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉम्ब इंटू में dT। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, dT को मैंने क्या कर दिया है, कॉमन ले दिया है। अब यहाँ पर dT गिवन है 1.13 डिग्री सेल्सियस इज रेज्ड बाय 1.13 डिग्री सेल्सियस। तो dT तो आपको गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉम्ब भी आपको गिवन है, मास ऑफ वाटर आपको गिवन नहीं है, पर वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी आपको पता है तो मास भी आप लोग निकाल लोगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी आपको पता है तो वो भी आप लोग निकाल लोगे। तो QV आपका निकल जाएगा, जो भी निकलेगा उसके आगे क्या लगा दो, नेगेटिव साइन लगा दो, डेल्टा यू निकल जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करना है जो मैंने अभी आपको बताया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो वहां से आपका जो है वो डेल्टा एच भी काफी इजीली निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कर देखिए, जो भी आपका आंसर आता है उसे नीचे कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो इसको सॉल्व कर ले। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर यह कि जो भी आपका क्यों निकलेगा, लेट इट एक्स, मान लीजिए आपका क्या निकल गया, वो एक्स निकल गया, लेकिन ये जो आपका एक्स निकला है किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकला है, 0.138 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग निकला है। तो पहले आपको इसको 1 मोल के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन के अंदर जो मैग्नीशियम होता है क्या होता है आपके पास, यहाँ पर 1 मोल के अंदर आप इसे लेते हो। तो इन रिएक्शन वी हैव 1 मोल ऑफ एनजी, आपने कितने के निकाला है, 0.138 ग्राम के लिए निकाला है। तो इसको किससे डिवाइड करोगे आप लोग, मोलर मास से डिवाइड कर दो, ये पूरा क्या बन जाएगा आपके पास, पूरा बन जाएगा मोल के अंदर, इतने मोल कंबशन के लिए आपका निकल जाएगा, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको एक्स को डिवाइड करना है, क्या फॉर्मूला बन जाता था आपके पास, QV अपॉन में स्मॉल m इनटू में कैपिटल m। ये क्या है, गिवन मास, जो आपका जितना भी आपने सब्सटेंस लिया उसका मास कितना है, और ये आपके पास क्या है, मोलर मास कितना है उस सब्सटेंस का। तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, x डिवाइड बाय क्या किया हुआ है, 0.0138, यानी कि आपके पास क्या है, स्मॉल m है, यहां पर आपके पास क्या है, मोलर मास, यानी क्या है, कैपिटल m है। तो वही फॉर्मूला यूज किया हुआ है, जो भी आपका QV था उसको डिवाइड कर दो गिवन मास
मास से मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, क्या निकल जाएगा आपके लिए, एक मोल के लिए आपके पास केमिकल रिएक्शन की जो है वो क्यू वी निकल जाएगी। वहां से आप लोग डेल्टा यू को निकाल सकते हो, और अगर आपका डेल्टा यू निकल गया तो आप लोग डेल्टा एच को भी निकाल सकते हो। रिएक्शन आपके पास में है, डेल्टा एन जी आप लोग निकाल सकते हो। डेल्टा एन जी निकलने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, आप लोग इजीली इसको निकाल दोगे। तो सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, वैल्यूज को पुट करना है, जो भी आपका आंसर निकलता है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनकी थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प हो जाए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर के। क्वेश्चन क्या है, इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए, मोलर मास गिवन है 50 ग्राम पर मोल, इंक्रीज द टेंपरेचर बाय 4 केल्विन इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर अलोंग विद द मटेरियल इज 2.5 किलो जूल पर केल्विन, कैलकुलेट द मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन इन किलो जूल, CSIR नेट 2014 का ये क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं बट कभी कभी आते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस साल आप पेपर देने जाओ उस साल क्वेश्चन आ जाए। तो आपने देख लिया टॉपिक तो मुश्किल है नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसके अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू उसको पुट करना है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, QV इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू में सी ऑफ वाटर प्लस सी ऑफ बॉम्ब इंटू में DT। अब आपको क्वेश्चन में मेंशन क्या है, इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर अलोंग विद द मटेरियल, जो भी उसका हमने लिक्विड भरा है, चाहे वाटर भरा हो चाहे कुछ ही भरा हो, उसके साथ में उसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है, 2.5 किलो जूल पर केल्विन, यानी कि जितना भी ये वाला पोर्शन पूरा अंदर का है सब उसने गिवन है, कितना 2.5 किलो जूल पर केल्विन। उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है किससे, डीटी से, कितना आपके पास यहाँ पर 4 केल्विन है, सीधा क्या निकल जाएगा आपके पास, क्यूवी निकल जाएगा। लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट वही है, दिस हीट इज रिलीज फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए, तो जितना भी निकला है 10 किलो जूल निकला है, आपका अमाउंट कितना गिवन था, 0.5 ग्राम गिवन था, मोलर मास कितना गिवन है, 50 ग्राम गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो इससे, आपके पास क्या हो जाएगा, पर मोल के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग यहाँ पर डेल्टा एच को निकाल पाओगे। तो डेल्टा एच यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्यू वी निकालना था, तो क्यू वी मोलर के लिए निकाल लिया आप लोगों ने, क्या निकला 1000 किलो जूल निकल कर आएगा। अगर आप लोग क्या करोगे 10 किलो जूल को 0.5 ग्राम से, यानी कि आपके पास क्या है स्मॉल एम है, या आपके पास क्या है कैपिटल एम है, इसको स्मॉल एम से डिवाइड कर दिया, कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास निकल जाएगा क्यू वी पर मोल के लिए। और डेल्टा यू निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते रहते हैं, और यहाँ से एक टॉपिक जनरेट हो जाता है एक एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर का। एक बेसिक सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आखिर एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर क्या होता है। देखिए आपके पास यहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही थी, आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा था, कोई ना कोई कंबशन रिएक्शन हो रही थी, तो उस कंबशन रिएक्शन के दौरान आपके पास क्या होने वाली है, हीट रिलीज होगी। लेकिन आप कह रहे हो कि जो आपके पास वेसल है वो क्या है, इंसुलेटेड है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर क्या हो रही है आपके पास, ये एक चैम्बर आपने लिया, कैसा चैम्बर ले लिया आपने, बिल्कुल एज इंसुलेटेड लिया, यानी ना तो कोई हीट बाहर जा रही, ना ही आपके पास कोई हीट जो है वो अंदर जा रही है, बिल्कुल क्या है, इंसुलेटेड है। अब अगर आप लोग इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस रखोगे, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस रखोगे, और अगर यहाँ पर अंदर O2 प्रेजेंट होगी तो क्या होगी, और आपने क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक स्पार्क भी दे दिया, यानी कि आपने कंबशन रिएक्शन को इनिशिएट कर दिया। तो अगर यहाँ पर कंबशन रिएक्शन होगी, मान लीजिए आपके पास सिंपल सा क्या है, सिंपल सी आपके पास कोई मीथेन गैस है, उसका आपने क्या किया, कंबशन किया, O2 के साथ क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर बन जाएगा CO2 प्लस H2O, राइट। अब आपको पता है कि इस कंबशन रिएक्शन के दौरान क्या होगी, आपके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट की होगी हीट जो है वो रिलीज हो जाएगी। अब अगर CH4 का कंबशन हुआ है तो CO2 प्लस H2 आपके पास क्या हो जाएगा, एज ए प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। अब जो हीट रिलीज हुई है वो हीट आपकी बाहर तो नहीं जा रही, क्योंकि जो आपका पूरा चैम्बर है वो कैसा है, इंसुलेटेड है। अब अगर वो हीट बाहर नहीं जा रही तो वो क्या करेगी, वो हीट इस CO2 और H2O को वेपराइज कर देगी, यानी कि वेपर की फॉर्म के अंदर ले आएगी। वेपर की फॉर्म के अंदर भी आ गई, लेकिन फिर भी जो हीट है वो क्या है, कंटेनर के अंदर ही है, और भी हीट क्या हो रही है, वो रिलीज होती जा रही है, यानी कि रिएक्शन से हीट रिलीज होती जा रही है। वो क्या करेगी, सबसे पहले तो CO2 और H2O क्या कर देगी, वेपर की फॉर्म के अंदर ले आएगी, उसके बाद वो उसको क्या कर देगी, जला देगी। अब वेपर की फॉर्म में जब भी कोई गैस चली तो गैस आपके पास क्या बन जाएगी, एक फ्लेम जनरेट हो जाएगी, और उस फ्लेम का टेम्परेचर क्या होता है, इसे आप लोग क्या बोलते हो, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर बोलते हो। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको आज पढ़ा भी देता हूँ। व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एन एडियाबैटिक कंटेनर, मतलब क्या है इसका, कि एक ऐसा कंटेनर जहाँ से ना तो कोई हीट बाहर जा रही है ना ही हीट अंदर आ रही है। देन द हीट रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन जनरली रेज द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट जनरेटेड इन द रिएक्शन, जो भी आपका रिएक्शन जो प्रोडक्ट होगा उसके टेम्परेचर को क्या करेगी, रेज करेगी।
पहले तो उसको क्या ले आएगी, वो वेपर की फॉर्म के अंदर ले आएगी। उसके बाद जब आपका वेपर जलेगा तो एक फ्लेम आपके पास बन जाएगी, और उस फ्लेम का टेम्परेचर क्या होता है उसी आप लोग क्या बोलते हो, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर बोलते हो। द टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट दैट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम ऑब्टेंड ड्यूरिंग द कम्बशन रिएक्शन इन एडियाबैटिक कंटेनर इज कंसिडर एज एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। तो ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। एक फॉर्मूला आपको यहाँ से याद करना है, उसके बाद आपकी पूरी थर्मो खत्म हो जाएगी, कुछ एक्सप्रेशन बचेंगे वंडरवॉल गैस के कोरस्पॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास कोई चैम्बर है, आपके पास कोई भी एक एडियाबैटिक चैम्बर है यानी कि एडियाबैटिक कंटेनर है, कोई भी हीट बाहर नहीं जा रही, कोई भी हीट आपके अंदर नहीं आ रही, और इसके अंदर जो कंबशन रिएक्शन हो रही है वो दो पाथवे से हो सकती है, कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर भी और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर भी। कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर हो तो ठीक बात है, हो जाएगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, यहां पर क्या हो गई, एज ए प्रोडक्ट आपके पास CO2 भी है और क्या है H2O भी है, और हीट क्या हो रही है, रिलीज होती जा रही है, और इस हीट की वजह से क्या हो गई, सबसे पहले CO2 और H2O क्या हो गई, वेपर की फॉर्म के अंदर आ गई। उसके बाद आपके पास फ्लेम भी जनरेट हो गई और उसका टेंपरेचर क्या होता है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। लेकिन क्योंकि इस चैंबर का वॉल्यूम क्या है, अब कांस्टेंट है, अगर आप लोग टेंपरेचर को इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे। अब आप टेंपरेचर को इंक्रीज करते जा रहे हो, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके ऊपर आपके पास ये चैंबर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस के अंदर ही आपका जो चैंबर है वो क्या होगा, एक्सप्लोड होगा, और इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, एक्सप्लोजन टेंपरेचर बोल सकते हो। तो दो कंसेप्ट जनरेट होते हैं यहां से, एडियाबैटिक फ्लेम टेंपरेचर और एक्सप्लोजन टेंपरेचर। अगर आपका प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो तो आप लोग क्या बोल दोगे, एडियाबैटिक फ्लेम टेंपरेचर बोलोगे, वहां पर आपका कंटेनर एक्सप्लोड नहीं होगा, आपके जो फ्लेम है उसका टेंपरेचर इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन आपका जो चैंबर है वो एक्सप्लोड नहीं होगा। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप वॉल्यूम को बिल्कुल कांस्टेंट कर दोगे तो एक स्टेज के बाद आपका जो कंटेनर वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, और जिस टेम्परेचर के ऊपर आपका कंटेनर एक्सप्लोड हो रहा है उसे आप लोग क्या बोलते हो, एक्सप्लोजन टेम्परेचर बोलते हो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, If the reaction is carried out at constant volume, then after release of certain amount of heat, the container explodes and the temperature at which container explodes is known as explosion temperature, जो चीज़ें मैंने अभी अभी आपको बताई है। अब इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कुछ क्वेश्चंस भी आपके पास आए हुए हैं एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर और एक्सप्लोजन टेम्परेचर से, वो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो, आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।